में कहा सारे पैसे लेके भाग गए, कौन भाग गया, किसके सारे पर भागा, इसके बारे में आप पूरी डिटेल बताइए। आप देखिए पूरा देश चैनल देख रहा है, हर चैनल देख रहे हैं, हमारे जो वक्ता है वो विस्तार में आपको रोज बताते हैं कि किसका पैसा कितना लेके, देश का पैसा लेके भागा है। वो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अभी पकड़ा है उसको, अभी जेल में डाला है। जो एक औरत यहाँ से, वो हिंदू महासभा की औरत थी जिन्होंने गांधी जी पर गोलियां चलाने का वो फोटो पर प्रयास किया था, उसको भी तो यूपी पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, एक चैनल जाके पकड़ी। तो यूपी पुलिस तो इतनी निकम्मी है कि वो कुछ कर नहीं पाती है। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कुछ नहीं हो पाता, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लव घर वापसी हो, चाहे वो कितनी भी चीजें आप ले लो, जिस तरीके से यूपी पुलिस तो निकम्मी इन द सेंस। मेरा बोलने का मतलब है कि एक औरत जो हिंदू महासभा, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, जिसके फोटोग्राफ पे वो गोली चलाती है, वो गोली चलाती है, एक औरत जिसका पति जो इंस्पेक्टर था वो गुजर गया, जो मर गया, जो मारा गया, लेकिन उसको वो अब तक उसके, मतलब जो लोगों ने उसको मारा था उसको अब तक पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए, कारण क्या है? प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्यों नहीं वो कर पाए। दैट मीन्स इसके पीछे कुछ ना कुछ पैटर्न है। पॉलिटिशियन दबाव है क्या? जो भी हो जी, वो आप फाइंड आउट कीजिए, लेकिन क्यों एक और महिला की मदद नहीं की जा रही है, क्यों पुलिस ऑफिसर की बीवी की मदद नहीं की जा रही है, क्यों पुलिस ही पुलिस को नहीं मदद कर रहा है? आप सिंगरावटी की तो घटना की तो याद नहीं लाने क्या? सिंगरावटी वाली घटना बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर मारा गया उनके बारे में तो नहीं कहना है क्या आपका? वही तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो घर वापसी हो, चाहे वो लिंचिंग्स का मामला हो, जहाँ पर ये लोग फोटोग्राफ्स लेकर जो वायरल कर रहे हैं, लोगों में एक द्वेष फैला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये उस बारे में बात करें ना जिस बारे में मैनिफेस्टो पे उन्होंने बोला था कि हम हर वर्ग को ये देंगे वो देंगे, तो क्या दिया? कौन से वर्ग को इन्होंने कुछ रखा? किस वर्ग के लिए उन्होंने कुछ किया है? कुछ तो नहीं कर पाए। नौजवानों को नौकरियां नहीं दे पाए हैं, बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर पाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मैक्सिमम जितना पैसा है 56% से भी ज़्यादा वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। तो धरातल पे क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मोदी जी को वोट देना चाहिए? वो अपना चैनल निकाल रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, कप्स पे उनकी फोटो है, टिकट पे उनकी फोटो है। तो मैं कहती हूँ कि अगर वो इतने गरीब है, अगर देश के चौकीदार है, तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं चैनल शुरू करने के लिए? चौकीदार कौन? आप मुझे बताइए ना, क्या वो चौकीदार होने के काबिल है? क्या वो चौकीदार होने के काबिल है? चौकीदार कोई भी हो, हमारे घर का भी चौकीदार होता है, वो भी जवाबदेही होता है, उसको भी जवाब पूछा जाता है। अगर किसी के घर में चोरी होती है या बार बार कुछ गलत हो रहा होता है तो उस भी चौकीदार को पूछा जाता है। तो हर चीज़ को, वो तमाम चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि सारे चौकीदारों को ऐसा कह दिया, या ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को चौकीदार कहा है तो चौकीदार को जवाबदेही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके नाक के नीचे से इतने लोग बस निकल के चले जाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू।